हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। ठीक है, इसके हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि साइन 18 बटे कॉस 72, तो साइन 18 बटे कॉस 72 का हमें मान निकालना है। तो जैसे जानते हैं कि साइन 18 बटे कॉस 72 है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 18, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और कॉस को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 18। 90 माइनस 18 72 होता है। ठीक है, तो बदल जाएगा किसमें, साइन 18 बटे में साइन कन्वर्ट होगा, सॉरी ये कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के आधार पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या है, टेन 26, टेन 26 अपॉन कॉट 64, इसको भी किसी एक को बदल लो। सपोज मैं टेन 26 को लिख दूँ क्या, 90 माइनस 64 हो जाएगा कॉट 64, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, हो जाएगा कॉट 64 बटे में कॉट 64, ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड है जिसमें कॉस 48 माइनस साइन 42 है, तो किसी एक को कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है कोस 31 माइनस सेक 59। ठीक है, किसी एक को इसमें कन्वर्ट करके आप लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दिया है टेन 48, टेन 23, टेन 42 और टेन 67 बराबर 1 हमें प्रूव करना है। तो इसमें से किसी एक किसी दो को बदल लेते हैं, तो हम कर सकते हैं जैसे ये दिया है टेन 48, टेन 23, टेन 42, टेन 67। ठीक है, हमें प्रूव करना है 1, जैसा देख रहे हैं आप प्रश्न में आपको, किसी एक को बदल लो। टेन 48 इसको लिख क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 67, और इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 42। ठीक है, और ये जगह टेन 67, तो जगह टेन 48 इंटू ये बदल के जगह कॉट 23 इंटू कॉट, सॉरी ये 23 नहीं होगा, 23 में से घटेगा ना, तो ये जगह 67, और ये कॉट 42 एंड टेन 67, कॉट 67 टेन 67 से, और मैंने किसको चेंज किया था, ये हो जाएगा 48 होगा ना, क्योंकि 90 माइनस 48 करने पर 42 आता है, तो इसको हम जब कट करेंगे तो हो जाएगा 8, 30 से कैंसिल हुआ, ये 1 × 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कैसे करना है कि हम लोग जानते हैं, जो बेसिक पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है, उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, इन्हीं का यूज करके हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो आप ऐसे बस वैल्यू पुट करके आप किसी एक को बदल कर या मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर,
क्या है 38 है और इंटू साइन कॉस 38 कॉस 52 है माइनस साइन 38 है इंटू साइन 52 है। इसको हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे जीरो प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को बदल लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको कॉस 90 माइनस 38 माइनस साइन 38, इसको लिख सकते साइन 90 माइनस 38, ये हो जाएगा कॉस 38 इंटू कॉस, कॉस किस में चेंज होता है साइन में, ये भी साइन 38 हो जाएगा माइनस साइन 38, साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस 38। ये चीज़ इससे पूरी कैंसिल होके जीरो हो जाएगी जो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, टेन टू ए इक्वल टू, टेन टू ए इक्वल टू दिया है कॉट ए माइनस 18, ठीक है। तो टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना ना, जैसे पूछ रहा है कि ए का मान बताइए। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक को कन्वर्ट कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं लोग, टेन 90 माइनस सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, इसलिए टेन 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ, ये तो राइट साइड ऐसे ही रहेगा, हमने बस लेफ्ट साइड में चेंजिंग किया है। तो यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू ए प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 इक्वल टू 3a, एंड 108 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू ए, ठीक है। तो कैंसिल आउट और ए की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री, जैसा कि बोला था कि एंगल ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है क्योंकि न्यून कोण है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि यह जो ए का मान आया है वो कितना है 36, इसका मतलब 36 जीरो से बड़ा और 90 से छोटा है, इसलिए यह एक न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, टेन ए इक्वल टू कॉट बी, टेन ए इक्वल टू कॉट बी गिवेन है, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करो, सपोज इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ 90 इसको लिखते हैं टेन ए इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे देखते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ 90 माइनस बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सिंस थीटा के प्लेस पे बी है इसलिए क्या हो जाएगा कॉट बी, ठीक है। तो हम लोग कॉट बी को लिख सकते हैं 10 ऑफ 90 माइनस बी, तो इसी को मैंने लिखा है। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर जब करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बी, बी को हम जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे ए प्लस बी इक्वल टू 90, जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपको दिख रहा है कि सेक 4 ए इक्वल टू, सेक 4a इक्वल टू क्या की बहन है, कोसेक ए माइनस 20, ये क्वेश्चन है कि सेक
sec 4a = cosec a - 20। ठीक है, तो अभी जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं उसी का यूज करके हम इसको करेंगे। इसको लिख सकते हैं cosec 90 - 4a = cosec a - 20। इसे कंपेयर करने पर 90 - 4a = a - 20, 90 + 20 = 4a + a, 110 = 5a, 110/5 = a। इसे कैंसिल होके a = 22। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया, a का मान जो आया है 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है कि साइन ऑफ b + c/2 = cos ऑफ a/2, जहां a b और c किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो हम किसी ट्रायंगल में सपोज एक ट्रायंगल है, इसका एंगल ए बी और ये सी है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है ये a + b + c वो कितना कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ से अगर हम किन्हीं दो को ले लें, b + c = हो जाएगा 180 - a, या इसी का जब आधा करेंगे b + c/2 = 180 - a/2। ठीक है, समझ में आया, तो क्या करेंगे इसको, इसी चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग फर्दर, b + c/2 = 90 - a/2, क्योंकि जब 180 का आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा और एक आधा करेंगे तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, अब इनका दोनों साइड से मैं साइन ले रहा हूँ। जैसे देखो ये इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा इसी चीज़ को। अब क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पर लिख लेना, दोनों साइड साइन लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, साइन ऑफ b + c/2 = सॉरी ये कितना था, 90 - a/2 था ना, तो 90 - थीटा क्या हो जाता है, cos θ = a/2, क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या है, a/2 है, तो इसलिए ये हो जाएगा cos ऑफ a/2। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 7 जो इस प्रश्नावली का 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। जैसे देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है sin 67 + cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में व्यक्त करना है। क्या दिया है, साइन 67 + cos 75 अंश। ठीक है, ये दिया हमें व्यक्त करना किसके बीच, 0 और 45 के, 0 और 45 के बीच में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे किसी एक को चूँकि 67 है, 0 से बड़ा है लेकिन 45 से भी बड़ा है, तो हमें 45 से छोटा ही रखना है ना, और cos 75 जो है, 75 तो 45 और 0 दोनों से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं sin ऑफ 90 - 23 + cos, इसको लिख सकते हैं 90 - 15। ठीक है, 90 में से 15 जाएंगे तो 75 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम
अगली प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ए 23 प्लस ये हो जाएगा साइन 15, ठीक है, डिग्री। तो इस तरह से यह 23 क्या है, 0 से बड़ा है बट 45 से छोटा है। और 15 क्या है, 15 भी 0 से बड़ा है बट 45 से छोटा है। इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने यह शो किया कि ये जो थे एंगल 67 और 75, यह इसको मैं कन्वर्ट करके 0 और 45 के बीच में ला सकता हूँ। एक में आया 23, एक में आया 15, जो कि दोनों 0 और 45 के बीच लाई करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन को विस्तृत रूप से सॉल्व किया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए और जितना मैं कराता जा रहा हूँ, ठीक है, पीछे जितना वीडियो बनाया हूँ उसको आप जाके देखिए, और जो आगे मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है। धन्यवाद।